नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आपको पता है, रोज डेली 4 बजे आपके लिए एक सेशन आता है जिसमें मैं आपको CBSE मैथ्स पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की। इसी की सीरीज में आज हमारा 6th क्लास है और हम आज इसकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म करने वाले हैं। जिसने मेरी पहले की वीडियोज नहीं देखी है वो उनको देख ले। जिसको भी बेसिक समझना है, जो शुरुआत से पढ़ना चाहता है, उन वीडियोस को देख कर आए और आज की वीडियो को वो ज्वाइन करे। और जो डेली ले रहे हैं उसके लिए मैं आज उनके लिए 8.2 के आगे के क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहां पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए थे जो मेरी पिछली वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं। और आज हम यहां से 4th पार्ट करने जा रहे हैं। ओके, 4th पार्ट आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। sin 30 प्लस टेन 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 cos 60 एंड cot 45। तो बेटा आप देख रहे हैं कि सारी की सारी वैल्यूज यहां पर रिवाइज हो जाएंगी आपकी इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो से जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दें। ओके, तो sin 30, जैसा कि मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं आपने इन वीडियोज को देख कर जो वैल्यूज मैंने आपको लास्ट वीडियो में याद करवाई थी वो आपने याद कर ली होंगी। और अगर नहीं की होंगी तो मेरे साथ आज भी आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ताकि आपको वो वैल्यूज याद हो जाए। ठीक है, तो साइन 30, तो साइन, किसी को टेबल याद है यहाँ पर कमेंट में बताओ बेटा, किसी को टेबल याद है साइन 30 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको। साइन 30 की वैल्यू बताई थी बच्चे 1/2। ओके, ऐसी मेरे साथ बोलते चलेंगे तो आपको सारी वैल्यूज जिनको याद है उनको रिवाइज हो जाएंगी और जो कुछ याद नहीं कर पाए हैं उनको रिवाइज होंगी और याद भी हो जाएंगी। ओके, चलिए आ जाइए। साइन 30 बेटा 1/2, टेन 45 बच्चे 1 होता है और कॉसेक 60। पहले हमें ये जानना होगा कॉसेक रेसिप्रोकल किसका है। ठीक है, कॉसेक बेटा रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो कॉसेक 60 क्या होगा 2/√3। एक दूसरे के बेटे उल्टे होते हैं आपको पता होगा ये बात। साथ में क्या है, डिवाइडेड बाई sec 30। अब sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो cos का रेसिप्रोकल cos 30 होता है बच्चे √3/2। तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ओके, इतनी बात समझ में आई। प्लस cos 60, cos 60 बच्चे sin 60, sin 30 जितना होगा उतना cos 60 होगा, तो cos 60 हो जाएगा हमारा 1/2। प्लस cot 45 बच्चे tan 45 का रेसिप्रोकल, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो cot 45 भी 1 होगा। चलिए इतनी बात हो गई। बस अब जितना हमें ट्रिग्नोमेट्री समझनी थी वो यहाँ लग चुकी है। अब हमें जो करना है वो बेसिकली जो मैथ्स होती है वो करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना क्वेश्चन में बचा नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम करते हैं, रिमाइंडर लेना, ठीक है, LCM लेना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए आ जाइए बेटा, यहाँ पर क्या LCM आएगा बेटा, 1/2 + 1 कितना होगा 3/2। ये तो आसान था, रूट में प्रॉब्लम आती है उसको हम ध्यान से देखेंगे। ओके, अपॉन बच्चे क्या हो सकता है, ये 2/√3 है, यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा, 2/√3 प्लस 3/2। ओके, अब दोनों जगह पर LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर LCM क्या आएगा, 2√3। जब कुछ भी ना देखे बच्चे तो नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो ओनली। ओके, 2√3, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 2√3। अब 2 से 2√3 बनाने के लिए, सुनते रहिएगा, 2 से 2√3 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 से। ओके, मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 से। तो ये बेटा रूल है कि जितना आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे। ठीक है, एक बार समझा देंगे, बाकी जगह लगा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, डायरेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ से, ये हो जाएगा बेटा 2√3, तो ऊपर हो जाएगा 3√3। ओके, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस, बच्चे √3 से 2√3 बनाने के लिए करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 2 से मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे आप, तो 2 ही ऊपर है, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, अब देखिए नीचे भी बेटा सेम रिमाइंडर आएगा 2√3। ओके, 2√3
ऊपर वो वही सीन बनेगा बेटा, रूट थ्री की मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो यहाँ पर फोर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर बच्चे टू की रूट थ्री से करेंगे तो ऊपर थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री रूट थ्री। बेटा आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है हमारे, डिनोमिनेटर हमारे जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? आपको ये बात समझ में आई? ये दोनों जो डिनोमिनेटर्स थे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा क्या बेटा वो हम लिखते हैं आगे, ठीक है? जो बचेगा रिमाइंडर में, जो बचेगा वो हम लिखते हैं। क्या बच रहा है बच्चे? थ्री रूट थ्री माइनस फोर, और क्या बच रहा है इसके साथ साथ? फोर माइनस थ्री रूट थ्री, ये चीज हमारी बच के आ रही है बेटा। पूरा क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से देखिए एक बार, ठीक है? मैंने किस किस की वैल्यूज लगाई हैं देख लीजिए आप जरा ध्यान से, ठीक है? देखिए, ठीक है, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, फोर माइनस थ्री रूट थ्री। अब क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बेटा लास्ट वीडियो में बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें रेशलाइज करना पड़ेगा। रेशलाइज करने का तरीका उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉन्जुगेट क्या होता है? वही सारी डिजिट्स होती हैं, बस साइन आपस में चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस में प्लस आ जाएगा, और प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो अगर हम देखें अगली स्लाइड में इसको, यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा? थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन क्या था बच्चे? फोर माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है बेटा? यहां पर प्लस आएगा, देखिए यहां पर प्लस चल रहा है, नीचे माइनस नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहां पर प्लस ही रहेगा। ओके, नीचे बेटा देखो, आप ध्यान से देखो, ऊपर बेटा माइनस था तो माइनस आया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, प्लस है तो माइनस आने की कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। तो अगर हम देखें अगली स्लाइड में तो क्या हो जाएगा बेटा? फोर प्लस थ्री रूट थ्री को थ्री रूट थ्री प्लस फोर लिख देते हैं, ताकि सेम सेम बिल्कुल कॉपी लगे, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है बच्चे यहाँ पर, ठीक है? तो क्या करेंगे अब कि मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? कॉन्जुगेट से, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, और ऊपर भी बच्चे करनी पड़ेगी थ्री रूट थ्री माइनस फोर। ओके, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, चलिए देखिए थोड़ा सा कलर डाउन कर लेते हैं इसका, अब बेटर है। ओके चलिए भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा इसमें, यहाँ पर वाइट पेन लेते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, क्या होगा बच्चे? थ्री रूट थ्री माइनस फोर, ऊपर भी करेंगे थ्री रूट थ्री माइनस फोर। ओके, तो क्या होगा बेटे? ऊपर देखो, a माइनस बी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चे वो, और ये बन जाएगा हमारा थ्री रूट थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर। क्यों बन रहा है सर ये? क्योंकि ये सेम डिजिट्स हैं, और सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई अगर होगा तो क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर बनेगा। ओके, और नीचे आप देख पा रहे होंगे, आपको मैंने आइडेंटिटी सिखाई है एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सिंपल है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अगर थ्री रूट थ्री को हम ए माने और फोर को हम बी माने, तो क्या बन रहा है यहां पर? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है? तो ये बन जाएगा हमारा बेसिकली, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी कितना हमारा? फोर, तो फोर स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको? अब बच्चों ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है? यहां पर मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ये कहां से आया ये भी मैं आपको जब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? फिलहाल अभी इसको रिजल्ट को हम एज इट इज यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर, तो बच्चों ए स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका मतलब मैं थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करना है, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर करने पर थ्री तो नॉर्मल डिजिट है, तो थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, लेकिन रूट थ्री का स्क्वायर करने पर सिर्फ रूट हटेगा। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियोस में अच्छे से कि रूट थ्री में का स्क्वायर करने पर सिर्फ रूट हटेगा, डिजिट वही रहेगी। तो नाइन यहां पर आएगा थ्री के स्क्वायर से, और थ्री यहां बनेगा, तो नाइन थ्री या बच्चों कितना होगा? 27 माइनस बेटा फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना? फोर फोर जा 16 माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए बी। बेटा ए कितना है? थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री, ऑफ बी कितना है बच्चों? फोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ओके,
ये हो गई हमारे न्यूमरेटर की बात, अब चलते हैं नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों। डिनोमिनेटर में बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 27 ऊपर किया है, माइनस बी स्क्वायर बेटा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंच गया है हमारा, तो देखते रहिए ध्यान से, इसको क्वेश्चन को खत्म करने वाले हैं हम लोग। बेटा कितना हो जाएगा, 27 और 16 बेटे 27, 37, 43। ओके, ऐसे ब्रेक करके ऐड कर लिया करिए आप। माइनस बेटा यहाँ पर कितना आएगा, 4, 3, 2, 4, 3 से 12, 12, 2 से बच्चों 24, और रूट की वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे रूट 3, और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 27 माइनस 16 बेटा कितना होगा, ये होगा बच्चों 11। ओके, अब बेटा क्या डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बस यहीं तक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए आपको समझ में आया, ठीक है। आप बेटा कमेंट से बताते रहा करिए कि आपको कोई चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जिससे हमें पता चले कि हमारी जो बात है वो आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं एक बार। हमें दिया था साइन 30 टेन 45 कॉस 60 सेक 30 कॉस 60 कॉट 45, इनके बीच में प्लस माइनस के ऑपरेटर्स लगे हुए थे और हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने सबसे पहले उन वैल्यूज को रिवाइज किया जो हमने सीखी थी लास्ट वीडियो में, हमने उनको वहां पर पुट किया, इससे हमारा एक ऐसा आंसर आया जिसके डिनोमिनेटर में रूट था। तो हमने क्या करा कि हमने किया उसको रेशनलाइज और उसके रूट को हटाने की कोशिश की, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, और लास्ट में हमारा जो आंसर आया है उसमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, तो वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरी ऐसी उम्मीद है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं कि सर इस स्टेप में या किसी पूरे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। 5 cosec square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 degree divided by sin square 30 plus cos square 30। ये क्वेश्चन काफी लंबा सा है, लेकिन जिसको बेटा वैल्यूज याद है वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर देगा। हम लोग भी शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन करना, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को खत्म कर रहे होंगे, और आपको बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पर कमांड होती जा रही होगी धीरे धीरे। आज हम सिक्स्थ क्लास पर पहुंच चुके हैं, मैं फिर से कहता हूं जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं उनको, पर आप पूरा बेसिक समझ सकते हैं, जिससे आप कभी भी लाइफ में आगे चलकर भी इन बेसिक्स से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से उसको अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन पर। 5 cosec square 60, तो बेटा 5 तो मल्टीपल है, मल्टीप्लाई होगी, cos स्क्वायर 60 बेटा, cos 60 1/2, तो cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, लेकिन उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 बच्चों, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। अब cos 30 कितना होता है बच्चों, रूट 3/2, तो sec 30 कितना होगा, 2/√3। ओके, और हमें इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है। ठीक है, यहां पर स्क्वायर, ओके, माइनस 10 स्क्वायर 45। बेटा 10 45 वन होता है, आपको बताया था सबसे अच्छी वैल्यू होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो 10 45 वन होता है, तो वन का स्क्वायर तो बच्चों यही रहेगा। ये हो गई हमारी न्यूमरेटर की बात, अब चलते हैं डिनोमिनेटर में बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 होता है बेटा, साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहां पर। ओके, प्लस क्या है बेटा, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2। बेटा देखो, आपको टेबल याद करवाई, कहां से वैल्यूज आई वो सब समझाया, अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रहा तो उसका भी फंडा बताया था, उसमें आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइए कि टेबल ही दिन भर बिल्कुल मंत्र की तरह जपते रह रहे हैं। आप क्वेश्चंस पर आइए, बार बार उनको क्वेश्चंस को करिए, अगर आपको जहां तक वैल्यू याद नहीं हो रही हैं तब तक आप पेजेस को पलटिए और उन वैल्यूज को याद करके देखकर लिखिए। देखकर लिखते लिखते ही एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये सोचते रहें कि सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से याद कर लूं उसके बाद क्वेश्चंस पर ट्राई करूंगा, ऐसा बेटा गलत तरीका है ये। आप पहले
क्वेश्चंस को करते रहिए, आप पुट करते 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 आपको एक दिन अपने आप ही वो चीजें याद हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 होता है बच्चे कितना, रूट 3/2, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बेटा वही वाली बात, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, लगनी थी लग चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगी, कैलकुलेशंस रह गई हैं, वो हम बड़े आसानी से करेंगे क्योंकि हमने अब काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 5 से मल्टीप्लाई हो रही है बच्चों, तो क्या आएगा 5/4, ठीक है, देख पा रहा हूँ आपको बेटा। चलिए प्लस बेटा यहाँ पर क्या आएगा आप ये बताओ मुझे बेटा, 2/√3 का होल स्क्वायर है ये, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4, और रूट 3 का सिर्फ रूट हटेगा 3 रहेगा, तो बच्चे यहां से निकलेगा 4, और 4 × 4 हो रहा है तो कितना आएगा बच्चों, 16, ठीक है, कितना आएगा 16, और नीचे क्या आएगा बच्चों, 3 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, डिवाइड बाय, दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1/4 प्लस रूट 3/ का स्क्वायर 3/4, बोलो बेटो, ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ से, ठीक है। अब तो बेटा रूट्स भी नहीं रहे, अब तो बहुत आसान कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है, लिख लेते हैं इसको 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, नीचे क्या आ रहा था बच्चों, 1/4 प्लस 3/4, ओके, ये हमारा क्वेश्चन आया यहाँ पर। तो बेटा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा बच्चों, यहाँ से ऊपर आएगा बेटा एलसीएम 12, ओके 12 आएगा, 4 × 3 = 12 होता है बच्चे, तो ऊपर 5 × 3 = 15, मैं ये कैसे कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ऊपर भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये रूल है, न्यूमरेटर डिनोमेटर दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई होती है किसी भी नंबर की, तो वहां पर 4 × 3 = 12 है, तो यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो जाएगा बेटा, 3 × 4 = 12, तो 16 × 4 = 64 माइनस बेटा यहाँ पर क्या है हमारा नीचे डिनोमेटर में 1, तो 1 × 12 तो 1 × 12, और नीचे बेटा क्या आ रहा है 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पर डिनोमेटर 4 है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 + 3 कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अब तक, बहुत ही इजी। अब बेटा रूट्स भी नहीं आए हैं और डिनोमिनेटर हमने एलसीएम भी ले लिया है, अब हम चलते हैं इसके बिल्कुल आगे, यहां पर खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर बेटा। 64 और 15 कितना होगा बच्चों, 79 माइनस 12, तो बच्चे कितना आएगा 67 अपॉन बच्चे क्या है 12, और बेटा यहाँ पर क्या बन रहा है आप यहीं पर देख लीजिए बेटा क्या बन रहा है, 3 + 4 = 4, और 4/4 बेटा कैंसिल आउट करेंगे ये चीज़ अपने आप को, ठीक है, ये चीज़ अपने आप को कैंसिल आउट करेगी, ये और ये दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 बचेगा बेसिकली, तो ऊपर वाली चीज़ ही बचेगी आंसर में, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या किया हमने, काफ़ी सारा लंबा क्वेश्चन था लेकिन हमने आपको बताया कि जब आपको बेटा वैल्यूज़ याद रहती हैं, जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ याद रहती हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी लेंदी हो, अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो बहुत ध्यान से आप जो बेटा वैल्यूज़ जिसको याद होती हैं वो क्वेश्चन तो ठीक करता है, लेकिन उसकी जो छोटी छोटी चीज़ें, एलसीएम ना लेना, स्क्वायर ठीक से ना करना, रूट को ना हटाना, ठीक है ना, वो चीज़ बलचा गलत करता है तो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि सर हमें वैल्यूज़ तो सारी याद थी लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बेटा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑपरेटर्स की, कब प्लस होगा, प्लस पहले होगा या माइनस, बॉर्ड मास की नॉलेज नहीं है, तो वहां से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो वो सारी बातों पर भी ध्यान देना है, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, आपको बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं, 3 पार्ट्स हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीटेड हैं और 2 पार्ट्स हमने इस वाली वीडियो में कर लिए हैं अभी तक। अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आपको एक पार्ट दिया हुआ है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan²30, आपको ये बताना है कि जो इसकी वैल्यू है वो इन चारों में से किसकी वैल्यू सेम है,
क्या बेटा बिना इसको सॉल्व किए क्या ये आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं ना। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30, बच्चों 2 10 30 का मतलब है, 2 10 30 मतलब 10 30 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ओके, अपॉन क्या आ रहा है, 1 + 10²⁰⁰। 10² का मतलब बेटा क्या है, 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, इसका हमें स्क्वायर करना है। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम देखते हैं इसको बेटा क्या आएगा यहाँ पर, 2/√3। यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं था तो यही आएगा, 2/√3 आएगा, 2 × 1 2/√3। ओके, यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1/√3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 3। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 2/√3, और बच्चों यहाँ पर बेटा क्या होगा, 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 3 + 1 4/3। ओके, अब बेटा इस डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए जरा, 2/√3 और जो 4/3 है वहां पर जाके ये 3/4 हो जाएगा। ओके, अभी बेटा कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहां पर क्या करेंगे आप, 1 और यहां पर 2, ये आ रहा है बच्चों 3/√3। बेटा यहां पर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, नहीं आना चाहिए था, ठीक है। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये रूट क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। क्या आएगा यहां से आंसर हमारा, इधर समझेंगे बेटा, 3√3 upon बच्चे √3 × √3, 3 आएगा, और 2 × 3 ये आएगा बेटा, यहां से सॉल्व करके √3 × √3, 3 बचेगा और 2 हमारा पहले से है बेटा, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, क्या आया हमारा बेटा आंसर, जो लास्ट आंसर हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है, √3/2। ये हमारी एक अच्छी सी वैल्यू आ गई है। अब हमें ये चेक करना है कि इन 4 ऑप्शंस में से वो कौन सी वैल्यू है जो √3/2 होती है। क्वेश्चन को आप समझ पाए, आपको एक लंबा सा एक आइडेंटिटी दी थी, उसको पहले हमें सॉल्व करना था, उसके बाद जो उसका आंसर आ रहा है उस आंसर को मैच करना इन 4 ऑप्शंस की वैल्यू से। तो बेटा आप बताइए साइन 60 कितना होता है, अरे तो पहले ही आंसर आ गया, तो बाकी भी चेक कर लेते हैं। कॉस 60 बेटा कितना होता है, 1/2, नहीं होगा। टेन 60 √3, नहीं होगा। साइन 30 बच्चों 1/2, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा क्या, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी बेटा, कितनी बताइए मैंने आपको, √3/2, और इस पूरी आइडेंटिटी की वैल्यू भी सॉल्व करके कितनी आ रही है, √3/2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, साइन 60। ओके, ये हमारा ऑप्शन खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, क्या कह रहा है, 1 − 10²⁰⁵ upon 1 + 10²⁰⁵। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, इसमें भी हमें वही चीज करनी है, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना होगा, उसके बाद हमें चेक करना होगा कि इन चारों ऑप्शन में हमारी कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। तो बेटा 1 − 10²⁰⁵, तो बेटा 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, 10 45 1 होता है, तो 1 − 1। ओके, और नीचे क्या होगा बेटा, 1 + 1, तो बेटा ये तो बहुत ईजी हो गया, ये आ गया बेटा 0/2, इसका मतलब जो रिजल्ट रहेगा वो बेटा कितना रहेगा, 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे सामने आपके कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है उसमें वैल्यू हमारी 0 दी हुई है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये आइडेंटिटी कब सेटिस्फाई करेगी इन 4 वैल्यूज में, ये हमें देखना है। तो बच्चे इसमें आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो अगर हम 0 पुट करें, अगर हम 0, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है यहाँ पर ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर जो 2 है ये पूरे के पूरे मल्टीपल है इसका, साइन ए का। इसको समझना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, इसमें आप फंस जाएंगे। साइन 0 का मतलब है साइन 2a, इसकी बात हम कर रहे हैं अभी, 2a बेटा 2 × 0, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, साइन 0 बेटा, साइन 0 डिग्री कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 0 होता है।
और अगर हम यहां पर देखें टू साइन है, यहां पर लगाएंगे टू साइन 0 डिग्री, तो यहां पर भी बेटा 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर कितना आएगा बेटा रिजल्ट 0। तो बेटा आप देख पा रहे हैं कि 0 पर, 0 वैल्यू पर साइन 2a और 2 साइन है दोनों इक्वल होते हैं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर हमारा बन जाएगा। बाकी वैल्यूज आपका होमवर्क के आप पुट करके देखिएगा और आप ये पाएंगे कि किसी भी वैल्यू पर इन दोनों रिलेशंस की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ओके, चलिए आप मुझे बताएंगे जरूर बेटा कमेंट में आपने किया या नहीं किया। अब चलते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे, आई थिंक ये लास्ट ही पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का। चलिए, 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30। ओके, 2 tan 30 upon √1 minus tan square 30। देखिए जरा, तो इसमें भी बेटा वही करना है, 2 into tan 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1 by √3 upon 1 minus tan square 30। बेटा tan 30 की वैल्यू 1 by √3, तो स्क्वायर स्क्वायर को कितना हो जाएगा, अभी जरा लगाते हैं इसको। ओके, ये बात समझ में आई आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर क्या आएगा बच्चों, 2 upon √3 और नीचे बच्चों क्या बचेगा, 1 minus 1 upon √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, कितना आएगा 2 upon √3 upon, ठीक है दिख रहा है आपको, 3 minus 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 upon 3। अब यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 by √3 into 3 upon 2 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये जो रूट थ्री आ रहा है क्या आ रहा है यहाँ पर 3 upon √3। इस रूट थ्री को क्या करना पड़ेगा, रेशलाइज करना पड़ेगा, और रेशलाइज करने का तरीका बच्चे क्या है, रूट थ्री से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पर, 3 into 3 into 3 आएगा ऊपर और नीचे बच्चे √3 into √3 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया बच्चे, ठीक है यहाँ पर रूट है तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बेटा लास्ट में आंसर कितना आया हमारा √3। कितना आंसर आया बच्चों, √3। अब हमें इन चार ऑप्शंस में चेक करना होगा कि हमारी √3 वैल्यू है किसकी। तो बेटा आप बताइए cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ बच्चों 1 by 2, ये आंसर हमारा नहीं है। sin 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3 by 2, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। tan 60 बेटा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। तो tan 60 की वैल्यू जो होती है, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, √3 होती है। तो ये ऑप्शन का हमारा ठीक आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं क्योंकि कोरोना के टाइम की वजह से, कोरोना जो आया, कोविड आया, उसकी वजह से हमारे ऑप्शन ऑप्शनल पेपर होने लगा। ठीक है, हो सकता है इस पर डिस्क्रिप्टिव हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन की फॉर्म में भी मिलेंगे आपको वहां पर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करा दिया आज, ये हमारा लास्ट पार्ट था आज का। ओके, चलिए, तो यहाँ से हमने शुरू किया था, 3 पार्ट्स हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और आज हमने इसके 2 पार्ट्स किए और सेकंड क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट्स किए, तो लगभग हमने 6 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसको आप देख सकते हैं बेटा, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिए, लेकिन आप सॉल्व ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, सॉल्व अगर आप अपने हैंड से नहीं करेंगे तो मैथ्स आपको उतने अच्छे से नहीं आ पाएगी जितना बाकी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स बेटा क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, उनको आप पढ़ते हैं, अपने माइंड में सेट करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाके अपनी लैंग्वेजेस में लिख देते हैं। लेकिन मैथ्स में बेटा ऐसा नहीं होता, किसी क्वेश्चन का प्रूफ अगर वैसा है तो वैसा ही होगा, तो आपको समझने के साथ साथ अपने हाथों से उसको करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आज खत्म होते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बेटा हमारी 6 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, 6 क्लासेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया,
पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझाया कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसका एप्लीकेशंस क्या है पहली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालना सिखाया, आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं ये बताया, और आज हमने 8.2 के काफ़ी क्वेश्चन, ये समझ लीजिए 8.2 के कुछ क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद 8.2 भी ख़त्म हो जाएगी हमारी। उसके बाद 8.3 जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर करते हुए होंगे, और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे मैथ्स में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। मेरी ऐसी ये कामना है, आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। मैथ्स बेटा हार्ड नहीं है, उसको हार्ड बनाया जाता है, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करते रहेंगे, हर तरफ सफाई रखेंगे, अपने शहर को बिल्कुल साफ रखेंगे, देश का सम्मान करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय माता की, जय हिंद।